नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। लॉकडाउन के कारण बड़ी संख्या में झारखंड के श्रमिक, छात्र और आम लोग देश के अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं। राज्य सरकार ने उन्हें वापस लाने का काम भी शुरू कर दिया है। वापस आने के लिए जरूरी है कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन को आपके बारे में पूरी जानकारी हो। यह जानकारी आपको झारखंड राज्य द्वारा दी गई वेबसाइट पर दर्ज करानी होगी। आपके बारे में पूरा विवरण देना होगा। वेबसाइट का लिंक आपको हम दे रहे हैं। इसके अलावा आप व्हाट्सएप के जरिए भी जानकारी दे सकते हैं। वेबसाइट में जानकारी कैसे दर्ज करानी है, इसे हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। आप झारखंड के रहने वाले हैं और देश के किसी भी राज्य में फंसे हैं और अपने घर वापस आना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको राज्य सरकार के पास या अपने ज़िले में अपना नाम रजिस्टर्ड कराना होगा ताकि सरकार आपको वापस लाने की व्यवस्था कर सके। अब ये बात है कि आप रजिस्टर्ड कैसे होंगे, कहाँ रजिस्टर्ड कराना है, तो झारखंड सरकार द्वारा एक वेबसाइट में नाम दर्ज कराने की व्यवस्था की गई है। तो चलिए उसको समझ लेते हैं। पहले अपने मोबाइल में आप गूगल खोलें, क्रोम हो या फायरफॉक्स हो, किसी में भी गूगल खोलें और उसमें टाइप करें। मैं आपको टाइप करके दिखा रहा हूँ क्या टाइप करना है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा झारखंड प्रवासी .in। जब ये टाइप कर लें आप, तो इसको सर्च करें, थोड़ा समय लेगा, थोड़ी देर में ये साइट खुल जाएगी। देखिए, ये झारखंड की सरकार की साइट है, झारखंड यात्रा पंजीकरण प्रपत्र। इसमें लिखा गया है केवल उन प्रवासी मजदूरों और अन्य लोगों के लिए जो झारखंड की यात्रा करना चाहते हैं। तो नीचे प्रपत्र में दिया गया है जो उसको भरना है आपको। जैसे पहले लिखा हुआ है मैं झारखंड जाना चाहता हूँ, यानी आप किसी दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं और झारखंड अपने घर अपने ज़िले में वापस आना चाहते हैं, तो इसे आपको भरकर सबमिट करना है। ये इसको भरने के बाद आपका सारा आंकड़ा डाटा सरकार के पास पहुंच जाएगा। तो आप झारखंड के पड़ोसी राज्यों बिहार हो, बंगाल हो, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कहीं भी हो, आप मायने नहीं रखता है कि आप कहाँ हैं, आप जिस भी राज्य में हों, इस पोर्टल को खोलकर इसमें आप अपना नाम रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तो इसमें पहले लिखा है मैं झारखंड जाना चाहता हूं, तो इसमें आप यस पे क्लिक करें और नीचे देखिए नेक्स्ट का बटन दिया हुआ है, उसको दबाइए। जैसे ही नेक्स्ट का बटन दबाएंगे तो आ जाएगा झारखंड यात्रा पंजीकरण प्रपत्र। नीचे व्यक्तिगत जानकारी भरने के लिए दी गई है, मोबाइल नंबर, आपका नाम, उम्र, पुरुष हैं, महिला हैं या अन्य हैं, और यात्री की श्रेणी नीचे दिया गया है, प्रवासी मजदूर, विद्यार्थी हैं, अन्य पेशेवर हैं या जैसे प्रोफेशनल लोग होते हैं या टूरिस्ट हैं। तो इसमें से आप जिस कैटेगरी में आते हों उसको क्लिक करें। तो इस प्रपत्र इस फॉर्मेट को जब आप भर लेंगे तो इसमें फिर आपको बैक और नेक्स्ट का बटन दिया हुआ है, तो इसको नेक्स्ट दबाना है। ऐसे ही इस पूरे फॉर्मेट को आप भरते जाएंगे तो आपका ये पंजीकरण हो जाएगा, जिसके बाद राज्य सरकार
राज्यों से अपने लोगों को लाने की व्यवस्था कर रही है, जो ट्रेन से लोग आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं। तो आप जैसे जगह पे होंगे, अगर बहुत दूर हैं जहाँ से ट्रेन की आने की सुविधा है, तो आपको ट्रेन से लाया जाएगा, और अगर आप पड़ोसी राज्यों में हैं तो संबंधित जिले से, जिस जिले के हैं आप, उस जिले से जिला प्रशासन की ओर से बस भेजा जा रहा है। तो उस बस के माध्यम से, अगर रजिस्टर्ड होंगे तो उस बस के माध्यम से आपको प्रशासन ले आएगा। और अगर दूर के राज्यों में हो, गुजरात में हो, महाराष्ट्र में हो, या किसी अन्य राज्य में हो, तो राज्य सरकार आपकी आने की व्यवस्था ट्रेन से करवाएगी। उसमें सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि नहीं, इसमें किसी तरह का किराया नहीं लगेगा। तो यही है जानकारी आप लोग को, मेरे कई दोस्तों मित्रों ने जो मेरे न्यूज़ टाइम्स चैनल को देखते हैं, उन्होंने कमेंट्स भी किया था, और कुछ लोग पर्सनली बार बार फोन करके जानकारी मांग रहे हैं कि रजिस्टर्ड कैसे होना है। तो इसलिए मुझे लगा कि ये चीज़ आप लोगों को बतानी चाहिए, रजिस्टर्ड कहाँ होना है, कैसे होना है, उसका प्रोसेस क्या है। तो इन सारी चीज़ों को आप देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में उसको लिखिए, मैं उसे और क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और एक व्हाट्सएप नंबर भी है, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, और ज़रूरी हुआ तो आप, अगर स्मार्टफोन नहीं रखते हों तो PNT नंबर है, वो आपको लिंक में मिल जाएगा, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह से, मैंने आप स्मार्टफोन यूज़ करते हों, रजिस्टर्ड हो जाएं तो भी ठीक है, नहीं आप कर पा रहे हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको जो दिया जा रहा है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना मैसेज, अपना सारा बायोडाटा आप राज्य सरकार के पास भेज सकते हैं, वहाँ रजिस्टर्ड हो जाएंगे। नहीं है तो जो सरकारी PNT नंबर है राज्य सरकार का, उसमें फ़ोन करके आप अपना सारा डिटेल नोट करा सकते हैं। इस तरह से आपके घर अब आने का रास्ता साफ हो जाएगा, आप आसानी से अपने घर वापस आ सकेंगे। धन्यवाद। पश्चिमी सिंहभूम जिले के कराईकेला थाना क्षेत्र के जोजो दगड़ा गांव के पास पुलिस को उड़ाने की नक्सली साजिश को सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया है। पुलिस ने सड़क पर बिछाए गए 5 केन बम भी बरामद किया है। नक्सलियों के द्वारा पुलिस को निशाना बनाने के लिए जोजो दगड़ा गांव के पास सड़क पर 5 IED केन बम बिछा दिया था, जिसकी जानकारी पुलिस जवानों को मिल गयी। सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने सावधानी पूर्वक नक्सली की मंशा को विफल कर दिया। इससे पहले भी बनगांव क्षेत्र में पुलिस को उड़ाने की नक्सली साजिश को सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया था। घटनास्थल से केन बम बरामद करने के बाद क्षेत्र में पुलिस और CRPF का सर्च ऑपरेशन जारी है। राज्य सरकार ने राज्य और जिले के बाहर फंसे लोगों को अपने घर तक जाने के लिए ई पास के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति ई पास के माध्यम से आवेदन कर अपने निजी वाहन से घर जा सकता है। राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों और राज्य के बाहर फंसे हुए लोगों से कार या मोटरसाइकिल से अपने घर तक जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। राज्य सरकार ने ई पास के लिए epassjharkhand.nic.in पर आवेदन देने के लिए कहा है। COVID-19 के संक्रमण को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन के कारण काफी संख्या में लोग राज्य के विभिन्न जिलों और राज्यों में फंसे हुए हैं। उन्हें वापस घर तक जाने के लिए राज्य सरकार ने यह पहल की है। दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस डंगवापुसी शाखा के सदस्यों ने आज 25 सफाई कर्मियों के बीच अंग वस्त्र का वितरण किया। लॉकडाउन के बावजूद डंगवापुसी के सफाई कर्मी लगातार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए साफ सफाई का काम कर रहे हैं। उनकी इसी सेवा भाव को देखते हुए मेंस कांग्रेस के शाखा सचिव सुभाष मजुमदार, प्रदीप शर्मा और के श्रीनिवासन राव द्वारा सफाई कर्मियों को सैनिटाइजर और अंग वस्त्र का वितरण किया गया। आमला टोला सार्वजनिन काली पूजा समिति के मुख्य संरक्षक और झारखंड राज्य के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के दिशा निर्देश पर समिति के सदस्यों द्वारा आज शहर के मेरी टोला अखाड़ा रेलवे स्टेशन सड़क क्षेत्र में जरूरतमंदों के बीच गर्म भोजन का वितरण किया गया। जिन्हें भोजन दिया गया, पहले उनका हाथ साफ कराया गया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भोजन का वितरण किया गया।
भोजन तैयार करने के लिए किरवाल धर्मशाला को किचन के रूम में उपयोग किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान स्कूल बंद होने के कारण सरकारी स्कूल के बच्चों को अब दूरदर्शन पर पढ़ाया जाएगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने दूरदर्शन के साथ करार किया है। दूरदर्शन पर विद्यार्थियों को 11 मई से 10 जून तक पढ़ाया जाएगा। दूरदर्शन पर विद्यार्थियों को नियमित रूप से सोमवार से शुक्रवार तक दो पालियों में 3 घंटे तक पढ़ाई होगी। कोरोना संक्रमण की वजह से स्कूलों के बंद होने पर शिक्षा विभाग ने यह पहल की है। सरकारी स्कूल के बच्चों को दूरदर्शन के माध्यम से डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका प्रसारण सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक होगा। सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक यूनिसेफ द्वारा तैयार मीना मंच और जीवन कौशल आधारित प्रसारण 10:30 बजे से 11 बजे तक कक्षा 1 से 5 तक, 11 से 12 बजे तक 6 से 9 और 11 कक्षा के लिए और 1 बजे से 2 बजे तक 10 और 12 की कक्षा के लिए प्रसारण होगा। दूरदर्शन पर होने वाले प्रसारण को YouTube पर भी प्रसारित किया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।